तो हे गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज़, आज हम लोग ये ड्रॉ करने वाले हैं, ये आई ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करूँगा, तो वो भी आप ध्यान से देखना। तो आउटलाइनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से ड्रॉ करना, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिटेल में कि ग्रिड मेथड से आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो डिटेल ऐड करना है, एक्यूरेसी अचीव करना है। तो थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ग्रिड मेथड। फ्री हैंड भी इजीली बना सकता था, कोई इशू नहीं है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आउटलाइन को स्किप करते हैं, उसके बाद आगे मैं सेटिंग आपको बताता हूँ। तो गाइज़, हमेशा की तरह रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं सेटिंग करने के पहले। तो आपको दिखाता हूँ रेफरेंस को थोड़ा डिटेल में, और यहाँ पे आप देखोगे कि आइरिस किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, आपको रेफरेंस को देख के समझ में आ जाएगा। और भी जो इमेज है इसमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, तो इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आइरिस को कवर करूँगा इसमें, और आइरिस का जो बीच का पोर्शन है वो कंप्लीट डार्क है, और इसका जो आउटर वाला एरिया है वो भी लगभग डार्क है, और जो भी टेक्सचर वगैरह है वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट लेयर में आपको बिल्कुल प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, जो हमेशा से मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, और पहले मैं क्या करूँगा, जो डार्क एरियाज़ हैं यहाँ पर उसको मैं सेड करूँगा, और जो हल्का सा लाइट एरिया उसको मैं छोड़ दूँगा, रहने दूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग ब्रश जो है हमारा उससे हम इसको ब्लेंड करके तो अच्छे तरीके से मिक्स करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो प्रायोरिटी है वो है डिटेल ऐड करना, तो रेफरेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको ऑब्जर्व अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। बाकी सारी प्रोसीजर सेम होता है, आपको एक्यूरेसी पर ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक चीज़, किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी छोटी से छोटी डिटेल आप स्किप नहीं कर सकते। कहाँ पे किस तरीके से बनी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। Desde que te vi, buscaba una silla.
तो यहाँ पे मैंने सेट करके ब्लेंड कर दिया। और ये ब्रश के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ये लोकल ब्रांड, लोकल मार्केट से परचेस की हुई मेकअप ब्रश है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम आती है मेरे। तो यहाँ पे हल्के हाथों से, हल्के प्रेशर से आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद अगले लेयर पे आएंगे और अगले लेयर में मैं ये जो सेंटर का जो एरिया है उसको कंप्लीट ब्लैक करना है, हमें बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक करना है। तो उसके लिए मैं एडबी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की, और मैं डायरेक्ट ब्लैक कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो डार्क एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया। उसके बाद बाकी जो एरियाज़ हैं उसके आसपास, वहाँ पे टेक्सचर देने की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे डार्क नहीं करेंगे। अब देखो किस तरीके से, मैं पहले टेक्सचर देखूँगा कौन सा एरिया ज़्यादा डार्क है, पहले वो मार्क करूँगा और वहाँ पर पहले शेडिंग करूँगा, सेकेंड लेयर दूँगा। उसके बाद जहाँ पर भी और भी ज़्यादा डार्क होगा वहाँ पर मैं एक और लेयर दूँगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क होगा उस तरीके से लेयर बाय लेयर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइस आइरिस में आपको इस तरीके का टेक्सचर हमेशा देखने को मिलता है, तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो सेंटर वाला एरिया है उसको आप ध्यान से देखोगे तो वो थोड़ा सा लाइट एरिया होता है और वहाँ पे एक लाइनिंग लाइनिंग टाइप टेक्सचर होता है, तो उसको हम अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की, और हल्के हाथों से मैंने एक लाइन से ड्रॉ करी है इसके बीच में, आपको दिख रहा होगा सामने। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो सेकेंड लेयर में हम फिर से जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पे हल्की फुल्की प्रेशर अप्लाई करेंगे, बाकी जगह पे हल्के हाथों से जो टेक्सचर है, आप रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको टेक्सचर का समझ में आ जाएगा किस तरीके से टेक्सचर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आर्ट लाइन की पेंसिल की जगह पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली 0.9 mm की, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके का पेंसिल है ये और किस तरीके से इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो एक्चुअली काम सिमिलर ही है, जो HB पेंसिल से काम हो रहा था वही है। इसका यह है कि छोटे छोटे एरियाज़ को आप अच्छे तरीके से मार्क कर सकते हो, अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, और काफ़ी सॉफ्ट है ये, तो अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाता है। तो थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर होता है उसके सामने अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो, बाकी काम बिल्कुल सेम है। अगर मैं उसको भी यूज़ करता तो मेरा काम हो जाता। तो गाइस अब हम ऐड करेंगे डार्क वैल्यूज़ को। तो जहाँ पे डार्क एरिया है कंप्लीट, उसको मैं डार्क कर लेता हूँ। तो ऊपर वाला जो एरिया है वो कंप्लीट डार्क है, पहले मार्क कर लिया था मैंने कि कहाँ पे डार्क करना है। और पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल जिसमें 4B की लीड लगी हुई है। आप यहाँ पर नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, वुडन वाली 4B 6B, जो भी आपको लगता है कि डार्क है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर एक लेयर में डार्क नहीं होता तो आपको 2-3 लेयर और ऐड कर सकते हो, बट आपको डार्क करना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कलर जो है पंची आते हैं, कंट्रास्ट जो होता है आपके ड्राइंग का वो काफ़ी अच्छा होता है, तो देखने में अच्छा लगता है और फीका फीका नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वाइट वाला पोर्शन है इसको भी मैं सेड कर लेता हूँ, और टेक्सचर क्या है वो आपको रेफरेंस में पता चल जाएगा। जो जो अभी ये एरिया मैं कवर कर रहा हूँ ये थोड़ा सा डार्क है, और धीरे धीरे जब हम आइरिस की ओर जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो लाइट हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं बेस लेयर दे दूँगा और उसके बाद ब्रश का यूज़ करेंगे, और ब्रश थोड़ा सा आपको ज़्यादा देर तक वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो और जो भी हम डार्क से लाइट लेके जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सके। ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो आते हैं अगले लेयर में, और यहाँ पे मैं डार्क वैल्यूज़ को और भी डार्क करने की कोशिश करूँगा और जो डिटेल्स हैं उसको ऑप्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल मैकेनिकल वाली। यहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है क्योंकि
आयरीज में बहुत छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, उसको ऑप्ट करना नॉर्मल पेंसिल से बहुत मुश्किल होता है। अच्छे तरीके से अगर आप उसको शार्प कर लेते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये थोड़ा सा आपको ईजी कर देता है, जो आपका प्रोसेस है वो उसको ईजी कर देता है। तो अगर आपके पास है आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल वाली पेंसिल आप अच्छे तरह उसको शार्प कर लो, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना डार्क कैसे ऑप्ट कर लेते हो। देखो आपको लेयर्स ऐड करने हैं, आप ऐड करते नहीं हो। मैंने बहुत लोगों का देखा है जो बिगनर्स होते हैं वो लेयर्स ऐड नहीं करते हैं और उनको लगता है कि एक ही लेयर में पूरा का पूरा जो डार्क वैल्यूज़ है ऑप्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर हो सकता है कि आपकी आपको इतना डार्कनेस ऑप्ट करने के लिए, इतना डार्कनेस अचीव करने के लिए आपको और दो चार लेयर ऐड करने पड़े, तो कोई इशू नहीं, आप ऐड करो। जितना ज़्यादा लेयर ऐड करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से डार्क वैल्यूज़ ऐड होंगी, उतने अच्छे तरीके से डिटेल्स ऐड होंगी, ठीक है, उतने ही अच्छे तरीके से आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करके चीज़ें ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पे बस आपको हमें यही करना है कि अच्छे तरीके से डिटेल में रेफरेंस को अच्छे तरीके से जूम करके देखना है कि किस जगह पे किस तरीके का टेक्सचर है, और हमें बस ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे आईलेसेस का जो रिफ्लेक्शन आयरिस पे पड़ रहा है वो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और लाइंस जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि कोई लाइंस आप बड़ा छोटा ड्रॉ कर दो, वहाँ पे आपको एक बार को लगेगा कि यार थोड़ा सा बिगड़ गया, बट ऐसा नहीं है, आप उसको ठीक कर सकते हो। आप अच्छे तरीके से रेफरेंस को देखो और आराम से जिस तरीके से लाइंस आपको दिख रही हैं रेफरेंस में उसी तरीके से आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो अब हम ड्रॉ करेंगे ये वाला एरिया, और यहाँ पे आप देखो बहुत ही डार्क एरिया है और बीच में हाइलाइट्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख के ही समझ सकते हो कि कौन कौन सा टूल्स आपको लगेगा। एच बी पेंसिल लगेगी, बेस लेयर दे देंगे उससे, ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ कर लूँगा, उसके बाद हाईलाइट के लिए मोनो जीरो इरेजर या फिर नीडेड इरेजर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और डार्क वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए 4B मैकेनिकल पेंसिल या फिर आप 6B वुडन पेंसिल आर्ट लाइन वाली या 4B आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वैसे 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल वाली। तो पहले तो बेस लेयर देंगे, बेस लेयर का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, आपको हल्की सी सेटिंग करनी है और थोड़ा सा टेक्सचर को ऑप्ट करना ज़रूर है। यहाँ पे छोटा एरिया है तो टेक्सचर के साथ आपको फर्स्ट लेयर देना पड़ेगा, और पहले देख लो कि कौन सा एरिया डार्क है कौन सा एरिया लाइट है, उस तरीके से आपको आगे शेडिंग करनी है। तो गाइस जो एरिया मुझे डार्क करना था वो मैंने डार्क कर लिया है, और जहाँ पे मुझे हाईलाइट देना था उसके लिए मैं नीडेड इरेजर का इस्तेमाल कर लूँगा, और कुछ जगह मैंने छोड़ भी दिया था वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास नीडेड इरेजर या फिर इस तरीके के इरेजर्स छोटे एरियाज को कवर करने के लिए नहीं है तो आप वो जगह छोड़ भी सकते हो अच्छे तरीके से, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट आप वो जगह छोड़ भी सकते हो। तो कुछ एक जगह मैंने छोड़ भी रखा था, वहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट देने के बाद हल्का सा आपको अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टाम्प है उससे आप ब्लेंड कर सकते हो, तो उससे क्या होता है नेचुरल इफेक्ट आता है। तो गाइस यहाँ पे जो ये टेक्सचर है ना, ये आई को बहुत ज़्यादा इंटेंस और रियलिस्टिक बनाती है। तो ये टेक्सचर, इस तरीके के टेक्सचर अगर आपने देना सीख लिया तो आपकी ड्राइंग वैसे भी बहुत रियलिस्टिक दिखेगी। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल, और आपको बहुत ही हल्के हाथों से बस वो लाइंस, जिस तरीके से लाइंस रेफरेंस में दिख रही है आप उसको रैंडम लाइंस जो है वो आपको ड्रॉ कर लेना है। प्रेशर आपको नहीं अप्लाई करना है, पहले आपको वो उस तरीके के लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं, उसके बाद जहाँ पे आपको दिखता है कि थोड़ा सा डार्क एरिया है, डार्क लाइंस है, उसको आप अच्छे तरीके से डार्क कर लो,
और आप यहाँ पे बस प्रेशर पे ध्यान रखना है, प्रेशर पे आप अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आपकी ये जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो गाइस ये वाले एरिया में रिफ्लेक्शन भी था और उसके लिए मैं मोनो जीरो इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कुछ नहीं करना, आपको सेप आपको देख लेना है रेफरेंस में किस तरीके का सेप है, बस वो इन वाले एरिया को आपको वाइट कर देना है, इरेज कर देना है आपको अच्छे तरीके से। वो एरिया पे रिफ्लेक्शन जो अभी आप शो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। Mamacita, vámonos de fiesta. Quiero en mi corazón, tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así. तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी पोर्शन को कवर करेंगे अगले वीडियोस में, वो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो ज़रूर से देख लेना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।